हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कलर्स के बारे में। हाँ, कलर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी आउटफिट के लिए। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे कलर्स के बारे में जो कलर्स आपको रॉयल एंड एक्सपेंसिव फीलिंग देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं मोनोक्रोमैटिक आउटफिट लुक से। मोनोक्रोमैटिक आउटफिट लुक जो है वो है आप टॉप टू बॉटम सेम कलर का आउटफिट पहन रहे हैं, वेदर इट्स ब्लैक, इट्स रेड, रेड में भी थोड़े सटल कलर्स लीजिएगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। बट आप कोई भी मोनोक्रोमैटिक लुक क्रिएट कर सकते हैं और वो लुक काफ़ी ही एक्सपेंसिव और रॉयल फीलिंग देता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूँगी, आप इस टाइप का कुछ मोनोक्रोमैटिक लुक ट्राई कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट इज़ वेरी कॉमन, बट आप इसके अलावा भी कलर्स ले सकते हैं लाइक ऑलिव ग्रे और बेज, जो भी कलर आपको पसंद आता है आप ले सकते हैं, बट थोड़ा सा लाइट में होना चाहिए। रेड भी बहुत अच्छा लगता है, बरगंडी कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, सो मरून भी बहुत अच्छा लगता है। सो आपको जो भी कलर पसंद है थोड़ा सा उसका लाइटर शेड लीजिए और आप उसको मोनोक्रोमैटिक में पेयर कीजिए, आप बहुत ही अच्छे लगेंगे और ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ही एक्सपेंसिव और रॉयल फीलिंग देगा। होगा वो होगा एक ब्राइट कलर के साथ आप कोई भी ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन या फिर ब्लैक या फिर वाइट आप पेयर करें और वो भी बहुत ही एलिगेंट लगता है और बहुत ही क्लासी लुक देता है। तो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं लाइक ब्लैक एंड वाइट के फ्लावर्स बने हों या फिर चेक्स बने हों और उसको आप एक ब्राइट कलर के साथ पेयर कीजिए, वो भी काफ़ी एलिगेंट क्लासी और हटके लुक देता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ट्राई कीजिए एक बार। तो नेक्स्ट जो आइडिया बताने वाली हूँ मैं वो है अगर आप कोई एक प्लेन आउटफिट पहन रहे हैं तो उसमें आप एक पॉप ऑफ कलर रखिए अपना, लाइक कोई भी कलर होगा जो उस कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर हो। अगर आप बेस में अगर कोई न्यूट्रल कलर ले रहे हैं तो और भी अच्छा लगेगा, बट अगर आप न्यूट्रल कलर नहीं ले रहे हैं, कोई और भी कलर है तो उसके साथ भी एक पॉप अप कलर काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट लुक आता है और देखने में भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव फील देता है। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा न्यूट्रल कलर। वेल, न्यूट्रल कलर काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कलर है और काफ़ी एक्सपेंसिव कलर है और जैसे ब्लैक एंड वाइट तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग पहनते हैं, बट ऑलिव हो गया, ग्रे हो गया और भी जितने भी कलर्स हैं मैं यहाँ चार्ट लगा दूँगी और आप देख लीजिएगा। सो मैं जितने भी कलर्स न्यूट्रल में होते हैं सारे के सारे कलर्स एक्सपेंसिव लुक देते हैं, तो आप चाहे तो इनको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं या फिर आप चाहे तो इन्हें मोनोक्रोमैटिक लुक दे सकते हैं। बट टू हैव दिस काइंड ऑफ लुक टू मेक योरसेल्फ लुक एक्सपेंसिव, अगर लगता है कि शादी पार्टीज़ वगैरह में जाना है एंड न्यूट्रल कलर विल नॉट वर्क दैट वेल, सो मैं कहूँगी गोल्डन या फिर बेज कलर आपके पास होना चाहिए। गोल्डन में भी एकदम टैक गोल्डन नहीं, बट हाँ बेज कलर आपके पास होना चाहिए। बेज कलर काफ़ी अच्छा पार्टी वाइब भी देता है एंड अगर आप उसमें कोई रेड मरून के साथ अगर कॉम्बिनेशन लगाते हैं या फिर कोई भी अदर कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो वो कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है एंड पार्टीज़ वगैरह के लिए भी वो कलर काफ़ी एलिगेंट लगता है। सो डू ट्राई दिस एंड दिस विल ऑल्सो मेक यू लुक एक्सपेंसिव। आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है पेस्टल कलर। पेस्टल कलर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है,
पार्टी शादी दुल्हन इवन अपने लहंगे को पेस्टल कलर में रखते हैं एंड वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो पेस्टल कलर आप ट्राई कर सकते हैं। ये कलर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव लुक देते हैं किसी भी फैब्रिक को। हर कुछ अवेलेबल है पेस्टल कलर की। आप ड्रेसेस ले सकते हैं, लहंगे ले सकते हैं, कुर्ती ले सकते हैं। सो आप इससे मोनोक्रोमेटिक लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। सो एक पेस्टल कलर का आउटफिट भी आपके पास होना चाहिए जो कि आपको काफ़ी एक्सपेंसिव एंड रॉयल फीलिंग देगा। और ये कलर जो होता है वो एक्सपेंसिव कलर में काउंट किया जाता है और काफ़ी एलिगेंट भी लगता है। सो डू ट्राई दिस। थे कुछ कलर्स जो एक्सपेंसिव फीलिंग देते हैं, बट वॉट एवर यू आर वेयरिंग बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अगर आप उसे पहन लेंगे तो आप कोई भी कलर, कोई भी ड्रेस, कुछ भी पहने होंगे वो एक्सपेंसिव और स्मार्ट फीलिंग देता है। आप कुछ भी पहनिए बट बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल। सो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और भी अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।